हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल नर्सिंग चैनल हब पर स्वागत है, जहां हम हेल्थ और हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बातें करते हैं। आज के इस चैनल पर आज हम एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है मेंस्ट्रुअल हाइजीन। मेंस्ट्रुअल हाइजीन एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें हम में से कई लोगों को ये नहीं पता है कि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती है, कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जिन्हें हम फॉलो करेंगे तो हम अपने आप को बहुत बड़े इन्फेक्शन से रोक सकते हैं। हम बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे गलत स्टेप्स फॉलो करते हैं जिसकी वजह से हम इन्फेक्शन का शिकार हो जाते हैं। तो आज हम जानेंगे कि मेंसेस के समय हमें ऐसी किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो हमें बीमारियों से ग्रसित होने से रोके। तो सबसे पहले मेंस्ट्रुअल हाइजीन में जो हम बात करेंगे वो है क्लीन हैंड्स। आपको हमेशा पैड बदलने से पहले या पैड चेंज करने से पहले आपके हाथ वॉश होने चाहिए। कोई फैंसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सोप और वाटर काफ़ी है। सोप और पानी से अच्छी तरह आप 5 मिनट हाथ धोएं और हाथ धोने के बाद ही आप अपने पैड को बदलने के लिए जाएं। तो ये तो हो गया आपका हैंड क्लीन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो है क्लीन पैंटी, क्लीन कॉटन पैंटी। हमेशा कॉटन पैंटी का ही उपयोग करें क्योंकि कॉटन पैंटी मॉइस्चर को सोख लेता है और आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाता है। इसके अलावा कॉटन पैंटी हमेशा लाइट कलर की होनी चाहिए क्योंकि डार्क कलर की पैंटीज हमेशा ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करती है और ज़्यादा मॉइस्चर आपके वजाइना में बनाए रखती है, जिससे फिर से बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का चांस होता है। इसलिए हमेशा लाइट कलर के कॉटन पैंटी का उपयोग करें जो कि क्लीन हो। उसके बाद नेक्स्ट जो बात आती है वो होती है क्लीन कॉटन पैड। कॉटन पैड का ही उपयोग करें, दूसरे किसी पैड का उपयोग ना करें क्योंकि यही ज़्यादा अच्छे से मॉइस्चर को सोखता है और आपको इन्फेक्शन से बचाता है। इसके अलावा कॉटन जो है आपके स्किन के लिए ज़्यादा फ्रेंडली होता है। बाकी मटेरियल्स जो है वो आपके स्किन में इचिंग या इरिटेशन कॉज कर सकते हैं, तो इसे हमेशा क्लीन सॉफ्ट कॉटन पैड का उपयोग करें। और हमेशा ये ध्यान दें कि जब आप पैड बदलते हैं तो पैड बदलते वक्त आप पहले वेजाइना को क्लीन करें। क्लीन कैसे करेंगे? फ्रंट से बैक। फ्रंट से मतलब जहाँ से यूरिन पास होता है वहाँ से लेकर बैक, जहाँ से मोशन पास होता है वहाँ तक। कभी भी बैक से फ्रंट ना जाए। इसका मतलब कि जहाँ से मोशन होता है वहाँ से क्लीनिंग करके कभी भी फ्रंट के तरफ ना आए। क्यों? क्योंकि बैक साइड में जहाँ मोशन पास होता है वहाँ पे बैक्टीरिया का लेवल ज़्यादा होता है। अगर आप वहाँ से आगे की तरफ क्लीनिंग करके आएंगे तो सामने के तरफ भी आप उन बैक्टीरिया को लेकर जा रहे हैं जो आपके मोशन के मोशन पास होने के जगह पे होता है, यानी कि एनस पे होता है। तो वहाँ पे क्योंकि बैक्टीरिया ज़्यादा होता है, आप पीछे से आगे की तरफ आएंगे तो आप पीछे से बैक्टीरिया को आगे की तरफ लेकर आ रहे हैं, जिससे सामने की तरफ इन्फेक्शन होने की चांसेस है। तो इसलिए हमेशा ये ध्यान दें, क्लीनिंग करते वक्त हमेशा फ्रंट से बैक, मतलब वेजाइना से पीछे की तरफ जाएं, क्योंकि वेजाइना में कम बैक्टीरिया होता है तो आप फ्रंट से बैक की तरफ जाएं तो इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं। अब आपको क्या ध्यान देना है? यहाँ पे आपने हैंड वॉश कर लिया, फिर पैंटी क्लीन यूज़ कर लिया, उसके बाद पैड लगा लिया जो कि कॉटन पैड होना चाहिए, फिर कॉटन पैड के बाद आपने क्लीनिंग कर लिया वेजाइना का जो कि फ्रंट टू बैक होना चाहिए। अब उसके बाद जो है आपको ड्राई करना है वेजाइना। वेजाइना ड्राई कैसे करेंगे? उसके लिए हमेशा, अगर आप घर पे हैं तो ठीक है, लेकिन पीरियड्स के दौरान तो आपको टिश्यू पेपर का यूज़ करना पड़ेगा। सॉफ्ट वाइट कलर के टिश्यू पेपर्स यूज़ करें हमेशा, बहुत कलर वाले टिश्यू पेपर्स यूज़ ना करें क्योंकि ये कलर जो है कई बार निकल जाते हैं। तो वेजाइना में क्लीन करते वक्त जब वो मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो वो कलर जो है कई बार हमारे शरीर पे छूट जाते हैं जो इरिटेशन कॉज कर सकते हैं। तो इसे हमेशा प्लेन वाइट कलर के टिश्यू पेपर का उपयोग करें, कॉटन टिश्यू पेपर का उपयोग करें जो कि स्किन के लिए बहुत ही सॉफ्ट होता है।
बहुत ही सॉफ्ट टिश्यू पेपर यूज़ करें, ऐसे थोड़े हार्श मटेरियल वाले टिश्यू पेपर का उपयोग ना करें, क्योंकि इससे वेजाइना में इचिंग होने के चांसेस हैं। इसके बाद आपने वेजाइनल क्लीनिंग कर ली। अब क्लीनिंग करने के बाद आपने पैड चेंज कर लिया। अब आपको क्या ध्यान देना है, आपको सारी चीज़ें करने के बाद लास्ट में फिर से आपको हैंड वॉश करना है। पर ये हैंड वॉश करने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो आपको करना है, वो क्या है, जो आपने पैड चेंज किया है वो ख़राब पैड को आपको एक न्यूज़पेपर में रैप करके उसे एक डस्टबिन में फेंक देना है। कभी भी ये ध्यान दें कि आपका यूज़ किया हुआ पैड को टॉयलेट के अंदर फ्लश ना करें, क्योंकि जो भी उस टॉयलेट को क्लीन करता है वो टॉयलेट क्लीन करते वक्त उनके लिए एक बहुत सरदर्द बन जाता है, क्योंकि टॉयलेट जाम हो जाता है। आप ये सोच के तो उस समय उसको डिस्पोज कर देते हैं टॉयलेट में कि चलो ठीक है हमारा तो सरदर्द छूटा, लेकिन वो टॉयलेट में जाके जाम हो जाता है और फिर जो उस टॉयलेट को क्लीन करने आते हैं ये उनके लिए बहुत तकलीफदायक हो जाती है। तो इसलिए बिल्कुल भी ऐसा ना करें, हमेशा इसे डस्टबिन में ही डिस्पोज करें, कभी टॉयलेट में डिस्पोज ना करें। और एक और बात का ध्यान दें, अगर आप पैड का उपयोग नहीं करते, अगर आप कॉटन कपड़ों का उपयोग करते हैं तो उसके लिए भी कुछ स्पेशल स्टेप्स है जो आपको जानना ज़रूरी है। पहले तो मैं ये बोलूँगी कि हमेशा पैड का उपयोग करें, कपड़ों का उपयोग ना करें। पर आपके पास ऐसा साधन नहीं है कि आप कॉटन पैड उपयोग कर पाए, तो अगर आप कपड़ा यूज़ करते हैं तो हमेशा कॉटन कपड़े ही प्रेफर करें, और कपड़ा यूज़ करने के बाद हमेशा उसे किसी प्लास्टिक के थैली में बांध कर अपने घर पर ले जाएं और वहाँ जाकर अच्छे गर्म पानी में डुबा कर रखें और फिर उसे धोकर सन ड्राई कीजिए, सूर्य की रोशनी में उसे अच्छी तरह से सुखा लीजिए, ताकि इसमें बैक्टीरिया के थोड़े से भी अंश हो, उसमें थोड़े भी स्मेल हो, तो वो सारी चीज़ें दूर हो जाए और आपको इन्फेक्शन ना हो। तो ये है अगर आप कपड़ा यूज़ करते हैं उसमें फॉलो करने वाले टिप्स। अब ये सब करने के बाद आपको लास्ट में हैंड वॉश फिर से करना है, अच्छी तरह से हैंड वॉश करना है। 5 मिनट के लिए नॉर्मल सोप और वाटर से हैंड वॉश कर सकते हैं और फिर आप अपने दूसरे रूटीन काम कीजिए। एक और जानकारी मैं आपको देना चाहूँगी, यहाँ पर हम पैड कितने टाइम पे चेंज करना चाहिए वो भी जानेंगे। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लड़कियों को मेंसेस में ब्लीडिंग कम होता है, तो जिस वजह से वो लोग सुबह से शाम तक एक ही पैड यूज़ करते हैं। पर ऐसा करना बहुत ही गलत है और बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। हमें हमेशा कॉटन पैड, चाहे ख़राब हुआ हो या नहीं हुआ हो, उसे हमेशा 4 से 5 घंटे में बदल ही लेना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम इसे ज़्यादा टाइम के लिए अगर पैड को रखेंगे तो पैड में से कुछ केमिकल है, वो केमिकल्स बाहर निकलते हैं और आपके वेजाइना में सोखते हैं, तो जो आपको आगे चल के कैंसर के फॉर्म पे या किसी इन्फेक्शन के फॉर्म पे, इचिंग के फॉर्म पे, इरिटेशन के फॉर्म पे आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं। तो इसलिए चाहे आपका पैड ख़राब हुआ हो या नहीं हुआ हो, हमेशा पैड को ध्यान रखें 4 से 5 घंटे में बदल ही लें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेंसेस के दौरान आपको हैवी ब्लीडिंग होता है, तो ज़रूरी नहीं कि आप 4 घंटे तक वेट करें, आप उसके पहले भी 2 घंटे में, 3 घंटे में अपने पैड को बदल सकते हैं। और आपको लगता है कि आपकी ब्लीडिंग बहुत एबनॉर्मल हो रही है, आपको वीकनेस हो रहा है, बहुत बड़ा बड़ा थक्का मतलब क्लॉट आ रहा है, तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए और उनसे मिलकर आपको एडवाइस लेना चाहिए। तो ये जो है बहुत ही ज़रूरी स्टेप है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा देर तक आप पैड यूज़ करेंगे तो वो केमिकल्स और वो नमी आपके वेजाइना को डैमेज कर सकती है। तो इसलिए कॉटन पैड को 4 से 5 घंटे में बदल ही लें। अब मैं एक और चीज़ आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि मेंसेस में होने वाली चीज़ों के बारे में, मेंसेस में होने वाले प्रॉब्लम्स के बारे में आप अपने बच्चों को पहले से ही बता कर रखें, यानी कि जब उनको मेंसेस होता है तभी ये सारी जानकारी ना दें। मेंसेस होने के कुछ दिन पहले ही आप उनको ये बता के दें कि मेंसेस में क्या होता है, मेंसेस में हमारे शरीर में क्या क्या बदलाव आते हैं, उसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और कैसे हम हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं। ये चीज़ें हम सिर्फ अपनी लड़कियों को ही नहीं, अपने लड़कों को भी बता कर दीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बॉयज़ को बहुत चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं होता और
लड़कियां बुलिंग का शिकार हो जाती है, वो उनका मजाक उड़ाते हैं या उन्हें उन्हें उनकी टांग खिंचाई करते हैं, जो कि बहुत गलत हो जाता है। वो भी अपने तरफ से गलत नहीं है, क्योंकि लड़कों को इनके बारे में जानकारी नहीं होती कि ये क्या है, या जो भी जानकारी होती है वो कहीं से अपने ही फ्रेंड्स के थ्रू मिली जानकारी होती है, जो कि गलत होती है, जिस वजह से वो गलत चीज़ें फॉलो कर लेते हैं। तो इसलिए अपने बच्चों को, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को ही इन चीज़ों का नॉलेज दें कि मेंसेस क्या होता है और इसमें कैसे लड़कियों का ख्याल रखना चाहिए, जिससे वो उनके लिए एक प्रॉब्लम ना बने, हमेशा बॉयज़ गर्ल्स के लिए एक सपोर्ट बने। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिली के साथ भी शेयर करें, ताकि ये टिप्स उनके लिए भी यूज़फुल हो। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और नए हेल्थ टिप्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।